प्राइम टाइम में, लिमन प्राइम टाइम सोमवार से। सर्दी हो या गर्मी या फिर हो बरसात का मौसम, सातों दिन 12 महीने सड़कों पर खड़े होकर फेरी वाले करते हैं अपना धंधा, और उस धंधे से होने वाले धनोत्पार्जन से वो चलाते हैं अपने परिवारों की आजीविका। सड़कों पर फेरी वालों को करना पड़ता है कई चुनौतियों का सामना। इसी कड़ी में इन दिनों बरसाती बीमारियों से निपटने के लिए मनपा ने शुरू की है फेरी वालों के खिलाफ अपनी एक मुहिम, जिसके चलते फेरी वालों पर लगातार गिर रही है गाज। कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम ने संभाल रखी है फेरी वालों की सुरक्षा की कमान, तो दूसरी तरफ फेरी वालों की लंबी लड़ाई लड़ रही आजाद हॉकर्स यूनियन का भी मिल रहा है संजय निरुपम को समर्थन। लेकिन शिवसेना, बीजेपी और मनसे द्वारा संजय निरुपम का विरोध किए जाने से गर्मा गई है सियासत। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज की खास पेशकश फेरी वालों पर सियासत। जी हां, फेरी वालों पर लगातार हो रही कार्रवाई के मुद्दे को लेकर 15 जुलाई को कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम ने बीएमसी कमिश्नर अजोय मेहता से मुलाकात की और फेरी वालों पर बीएमसी द्वारा की जा रही कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की, और बीएमसी कमिश्नर द्वारा जारी किए गए फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई आदेश को फौरन वापस लेने की गुजारिश भी की। लेकिन बीएमसी कमिश्नर अजोय मेहता ने अपना आदेश वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, इसके साथ ही बीएमसी कमिश्नर अजोय मेहता ने संजय निरुपम को हिदायत तक दे डाली कि यदि संजय निरुपम को कोर्ट जाना है तो वो जा सकते हैं। इसी बात पर संजय निरुपम बिफर पड़े और उन्होंने बीएमसी कमिश्नर को चुनौती देते हुए ये कह दिया कि यदि बीएमसी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी फेरी वालों पर कार्रवाई करने आएगा तो उसका जवाब हम देंगे। कि आपने जो ऑर्डर दिया है फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का, यह ऑर्डर गलत है और इस ऑर्डर को आप विड्रॉ करिए। ये स्वीकार करते हुए कहते हैं मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, फेरी वालों को बोलिए हाईकोर्ट में जाके स्टे लिए। मैं इनके बता के आया हूं कि अब इतना कहने के बाद भी अगर आप हमारी बात नहीं सुनते तो फेरी वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी, कोई भी बीएमसी का अधिकारी कार्रवाई करने जाएगा तो उसकी पिटाई होगी और फेरी वाले उसकी पिटाई करेंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए का हफ्ता वसूली का रैकेट है। मैं कह रहा हूं कि हफ्ता वसूली के रैकेट से निकालो, सारे फेरी वालों को कायदे के हिसाब से लाइसेंस दो, उनका रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद उनसे टैक्स वसूलो। लेकिन बीएमसी उनसे टैक्स नहीं लेगी, पावती नहीं देगी और एक इल्लीगल धंधा करती रहेगी और इस धंधे में खुद कमिश्नर शामिल है। लिवलीहुड एक्ट है ज्याच्या अंतर्गत आता आपल्याला डायरेक्शन्स आहेत सेंट्रल गव्हर्नमेंटची, त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला अधिकार आहेत की जिथे पेडेस्ट्रियनला चालायला सुद्धा जागा नाही आहे किंवा जिथे ट्रॅफिकला प्रॉब्लेम होत आहे, जनरली पब्लिकला प्रॉब्लेम होत आहे, तिथे आपल्याला ऍक्शन घेता येते। फुटपाथवर ज्यांचं ओपनिंग आहे ते खूपदा जिथं त्यांची जागा आहे तेवढी लिमिट न राहता ते थोडंसं पुढे सरकतात, पुढे सामान ठेवतात आणि त्यामुळे मग येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना खूप त्रास होतो। तर अशा सुद्धा लोकांवर आम्ही आता सेकंड थर्ड फेजमध्ये ऍक्शन प्रपोज केलेलं आहे। अच्छे दिन की उम्मीद के तहत बीजेपी को भरपूर समर्थन देने वाले फेरी वालों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। फेरी वालों के खिलाफ ब्रहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से शुरू की गई मुहिम को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने खुला समर्थन दिया है। नगर सेवकों ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि बुधवार के दिन मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम के नेतृत्व में फेरी वालों का एक शिष्टमंडल
बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजोय मेहता से मिलकर नेशनल हॉकर्स पॉलिसी के क्रियान्वयन की मांग की थी। निरुपम ने आयुक्त से फेरी वालों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को तत्काल रोकने की मांग की, जिसे मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अजोय मेहता ने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया। और इसके साथ साथ बुधवार को स्थायी समिति की बैठक में विपक्ष के नेता देवेंद्र आंबेडकर ने फेरी वालों का मुद्दा उठाया। आंबेडकर ने मुंबई में फेरी वालों की समस्या के लिए मनपा प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष के नेता ने कहा कि मनपा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण फेरी वाला पॉलिसी लागू नहीं हो पा रही है। आंबेडकर ने कहा कि मुंबई में 22,000 से अधिक हाथ गाड़ियां हैं जिन पर लाल, हरे और नीले रंग का मार्क लगाया गया है, जिनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। करोड़ों रुपए की काली कमाई की वजह से हॉकिंग और नॉन हॉकिंग जोन का निर्णय अब तक नहीं हो पाया है। सभी दल के नगर सेवकों ने महानगर पालिका की तरफ से फेरी वालों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के लिए मनपा आयुक्त अजोय मेहता का अभिनंदन किया। बीजेपी गुट के नेता मनोज कोटक ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। कोटक ने निरुपम के उस बयान का हवाला दिया जिसमें निरुपम ने फेरी वालों से अधिकारियों की पिटाई का आह्वान किया। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं संक्षेप में ये पूरा का पूरा इतिहास। मुंबई की सड़कों पर 17,000 लाइसेंसधारी फेरी वाले हैं। फेरी वालों के मसले पर संजय निरुपम का रुद्र अवतार देखने को मिल रहा है। फेरी वालों के मसले पर संजय निरुपम एक बार फिर गंभीर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। फेरी वालों के मसले पर कुल मिलाकर फेरी वालों के बुरे दिन आ चुके हैं, यह कहना है संजय निरुपम का। फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई को रोके महानगर पालिका, यह कहा संजय निरुपम ने बीएमसी कमिश्नर से, लेकिन बीएमसी कमिश्नर ने संजय निरुपम की मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। संजय निरुपम ने खुलेआम बीएमसी कमिश्नर अजोय मेहता को चुनौती दी। फेरी वालों पर कार्रवाई हुई तो होगी मनपा कर्मचारियों और अधिकारियों की पिटाई। शिवसेना, बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बीएमसी कमिश्नर अजोय मेहता को खुला समर्थन। संजय निरुपम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग लगातार उठने लगी है। इसके अलावा महानगर पालिका के स्थायी समिति की बैठक में सत्ता पक्ष का जमकर हंगामा हुआ, सिर्फ और सिर्फ संजय निरुपम के उस बयान से जिसमें कि उन्होंने बीएमसी कर्मचारियों और अधिकारियों की पिटाई से संदर्भित बातें कही थी। शिवसेना और मनसे ने उठाया पर प्रांतियों का मुद्दा, तो एक बार फिर पर प्रांतियों का मुद्दा मुंबई में उठ चुका है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। लेकिन बीच में एक प्रकार से इसका खामियाजा यदि कोई भुगत रहा है तो मुंबई का फेरी वाला। बरसाती बीमारियों से निपटने के लिए इन दिनों महानगर पालिका ने एक मुहिम छेड़ रखी है। मनपा की मुहिम का शिवसेना, बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पुरजोर तरीके से स्वागत किया है। अधर में लटका पड़ा है मनपा का हॉकिंग और नॉन हॉकिंग जोन का मसला। सर्वोच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारत वर्ष की सर्वोच्च न्यायपालिका के निर्देश देने के बावजूद आज तक फेरी वालों के लिए हॉकिंग जोन आखिर मुंबई महानगर पालिका क्यों नहीं बना पा रही है, एक बड़ा सवाल। और अब फेरी वालों के मुद्दे पर सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। आजाद हॉकर्स यूनियन का संजय निरुपम को पूरा का पूरा समर्थन लगातार मिलने लगा है। मुंबई में 3 लाख फेरी वालों की संख्या अधिकृत तरीके से आंकी जा रही है। सूत्रों के हवाले से लगातार मुंबई की फुटपाथ पर 5,000 स्टॉल काबिज है। इसके साथ साथ मुंबई की सड़कों पर 17,000 लाइसेंसधारी फेरी वाले धंधा करते हैं। साल 2009 तक महानगर पालिका की रसीद लेने वाले फेरी वालों की संख्या तकरीबन 22,000 के आसपास थी। महानगर पालिका का फॉर्म खरीदने वाले 1,28,443 फेरी वाले बताए जाते हैं, जिनमें से 99,435 फेरी वालों ने मनपा का फॉर्म सबमिट किया। मुंबई में 22,000 से भी अधिक हाथ गाड़ी वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बनाम शिवसेना, बीजेपी और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या फेरी वालों का मामला समय रहते हल हो पाएगा। तो फेरी वाले के इस विषय पर आज हमसे स्टूडियो में हमसे जुड़ेंगी आजाद हॉकर्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी
सलमा शेख, आपका स्वागत है। इसके साथ साथ आईटक हॉकर्स यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैदर इमाम साहब, आपका स्वागत है। न्यूज रूम से हमारे अपने वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक बार फिर शुरू हो चुकी है आर पार की लड़ाई, और इस बार पूरा का पूरा मामला सियासी रूप लेने लगा है। सबसे पहली प्रतिक्रिया सलमा शेख आपकी तरफ से, चूंकि ये लड़ाई आजाद हॉकर्स यूनियन को लंबे सालों से लड़ते देखा जा रहा है, आखिर वजह क्या है? ये बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है फेरी वालों का पूरा मसला, जिम्मेदार आप किसे ठहराती हैं? इसके लिए पूरी तरह से महानगर पालिका, जो आपको पहले भी सुनाया गया है, अभी भी मैं कह रही हूं, आपको पता होगा कि कम से कम 40 बरस से फेरी वाले लड़ रहे हैं। पहले सिटी सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से लड़ने के बाद इतनी बड़ी विजय लेकर के हम लोग आए हैं, और इसके बाद सरकार अपना जीआर निकालती है, हिंदुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति जी उसके ऊपर सही करते हैं, उसको सैंक्शन करते हैं, और इतना सब होने के बावजूद भी जहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है कि जब तक हिंदुस्तान के, न केवल मुंबई और महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान के फेरी वालों का, 2 करोड़ फेरी वाले करीब करीब पाए जाते हैं हिंदुस्तान में, जब तक इनको सर्वे नहीं करते हैं आप, इनका सर्वे करने के बाद इनको आप आईडी नहीं देते, हॉकिंग जोन नहीं बनाते, लाइसेंस नहीं देते, तब तक इनको बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया जाए, इनका धंधा जैसे कर रहे हैं वैसे करने दिया जाए। इसके बाद जो एक्ट बना है, मैं आपको बता दूं संजय जी, एक्ट जो आज तक अंग्रेजों के जमाने से लेकर के अब तक कोई भी एक्ट फेरी वालों के लिए नहीं था, आज बरसों की लड़ाई लड़ने के बाद फेरी वालों के लिए एक एक्ट आ गया जिसका नाम 714 है, जिसमें साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही उसमें मैं कहती हूं कि दे दिया गया है कि जब तक फेरी वालों का आप सर्वे नहीं करते, सर्वे करने के बाद उनको आइडेंटिटी नहीं देते, आइडेंटिटी के बाद लाइसेंस नहीं देते, हॉकिंग जोन में शिफ्ट नहीं करते, तब तक उनको बिना किसी भी नाम पर हटाया नहीं जा सकता, उनको एविक्टेड नहीं किया जा सकता। इसकी पूरी तरह से हिंदुस्तान के जितने भी चीफ जस्टिस हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ये मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव हैं, इन सारे लोगों को इसकी प्रति भेज दी गई है, और महाराष्ट्र ने उसी आदेश को लेकर के एक, महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर निकाला है, जो जीआर मुंबई के हर महानगर, मुंबई के महानगर पालिकाओं में, महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं में सब जगह भेज दिया गया है, सब जगह भेज दिया गया है, लेकिन इस पर अमलीकरण कब होगा? यही तो मैं कहने जा रही हूँ। इसके बावजूद भी जो अरबों रुपए की एक उघाई है जी, जो 365 करोड़ 1995 में था, आज वो हफ्ता 2000 करोड़ में परिवर्तन हो चुका है, पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है, वो हफ्ता कहीं ना कहीं फेरी वालों के भविष्य में, फेरी वालों के लाइसेंस में आड़े आ रहा है। ये मैं पूरी के पूरी तरह से गंभीर सवाल आपने खड़ा किया, लेकिन आपसे एक बात जानना चाहते हैं सलमा मैडम, पहले भी सवाल यही था और सवालों की काफी लंबी फहरिस्त थी आपकी, आपने लड़ाई लड़ी, जीते भी, और आपने कहा भी कि महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भी इस पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। महानगर पालिका, एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका, जिसका सालाना आर्थिक बजट 32,000 करोड़ से भी अधिक का है, यह वही कांग्रेस एनसीपी सरकार थी सलमा शेख मैडम, जब वह महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष पर काबिज थी, लड़ाई तब भी आप लड़ रहे थे, आज बीजेपी शिवसेना की सत्ता है, लड़ाई तब भी आपकी जारी है, क्या आप इस चीज को, पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित नहीं समझती? देखिए, जो अगर एक जनरल लेवल में मैं बात कहूं तो जो सत्ता में होता है उसी को गरीबों से लड़ना है जी, ठीक है, लेकिन हम, आप ये मत समझिए कि हमने एक अलग तरीके से किसी पार्टी को समर्थन दिया है जी। हम ये कहते हैं जो भी आदेश के, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के, कानून से उल्लंघन करेगा, हम उसके साथ में हैं। और यहाँ पर व्यक्तिगत संजय निरुपम जी की बात नहीं है, व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर आती है बात कानून की, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की। जो व्यक्ति कमिश्नर होकर के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मान सकता, जो व्यक्ति मुंबई शहर की इतनी बड़ी जवाबदारी जिस पर है, जो कहते हैं मैं ठामपणे नहीं सांगू सकतो, जेमी कार्रवाई करतो थे, चुकीची कार्रवाई ना थे, व्यवस्थित कार्रवाई आए, उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में है, जो आपका एक्ट है उसके विरोध में है, जो नेशनल पॉलिसी है उसके विरोध में है, फिर भी आप कहते हो कि जो हम कहते हैं वो सही है, हम जो करेंगे वही कायदा है, तो ये पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, और हम इसके लिए किसी के साथ में भी होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि देश के कानून की रक्षा करना हमारा धर्म है, और वही रक्षा हम लोगों को संरक्षण दे रहा है, हम लोगों को रोजी रोटी दे रहा है, इसलिए हम पूरी तरह से उनके साथ में। हैदर इमाम साहब आपसे जानना चाहेंगे, जितनी बातें कहीं सलमा शेख मैडम ने, और एक लंबा अनुभव रहा है इनको आजाद हॉकर्स का, हमने कवर किया है इनकी खबरों को काफी करीब से, आजाद मैदान की लड़ाई हो, मुंबई की सड़कों पर उतर के इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, बावजूद स्थिति जस की तस, आपकी पहली प्रतिक्रिया? ऐसा है कि
मुंबई शहर, ये जो शहर जब बना जी, तो शहर के साथ शहर की सुविधा के लिए अलग अलग चीज़ें भी बनाई। मुंबई शहर के लिए फेरी वालों को बिठाने के लिए मुंबई शहर में महानगर पालिका ने 1967 में जब पहला डीपी बनाया तब इसमें 314 मार्केट्स का व्यवस्था किया, जिसमें से 114 मार्केट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में है। यह 114 मार्केट के अंदर आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 25 बरस से जो शिवसेना और भाजपा की सरकार है जी, इन्होंने किसी भी मार्केट को चलने नहीं दिया, उस मार्केट को ख़त्म कर दिया। आज उस मार्केट को ये लोग प्राइवेट बिल्डरों को दे रहे हैं, जबकि वो मार्केट की जगह पब्लिक यूटिलिटी के लिए ली गई थी, वो मार्केट की जगह ये लोग प्राइवेट बिल्डर्स को बेच रहे हैं, ये शिवसेना और भाजपा के लोग। शिवसेना और भाजपा का नाम आपने लिया इमाम हैदर साहब, तो आपको बता दें कि फोन लाइंस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेश वर्मा हमसे जुड़ रहे हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? धन्यवाद, हाँ आ रही है। आपने सुना हमारे मैंने एक अतिथि की बात की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक महानगर पालिका पर राज किया है, लेकिन उन्होंने आज तक फेरी वालों का निदान नहीं किया। नहीं, वो ये नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे जी कि ये सारी मार्केट बिल्डरों को बेच रहे हैं जी। उनकी अधूरी जानकारी के लिए मैं जानकारी को पूरी कर देता हूँ जी। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मार्केट को बंद कर दो, फेरी वालों को भगा दो और बिल्डर को दे दो जी, ऐसा एक भी जगह नहीं हुआ है। उस मार्केट को रीडेवलपमेंट करने के लिए, नया मार्केट बनाने के लिए और उसमें और अच्छी सुविधाएं देने के लिए ये पीपीपी मॉडल के ऊपर ये स्कीम को लाया है, लेकिन किसी कारणवश पिछले राज्य सरकारों ने इसको हरी झंडी नहीं दी जो कांग्रेस की थी, और ये काम आधे रास्ते में रुका रहा। तो मुझे तो कहीं से भी ऐसा दिखता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना ये फेरी वालों के खिलाफ है। अगर ऐसा होता तो अब तक मुंबई के सारे फेरी वाले साफ हो जाते। आज मुंबई में हजारों लाखों फेरी वाले हैं, वो अपना रोजगार धंधा काम सब कर रहे हैं। लेकिन इन हजारों लाखों फेरी वालों का मसला योगेश वर्मा साहब आज का नहीं है, ये सालों साल का है। आप विपक्ष में थे तब का भी ये मामला था, आज आप सत्ता पक्ष में हैं तब का ये मामला है, तो आखिर ये मामले में इतनी ढिलाई क्यों? सड़क पर जो भी धंधा करता है, रोजी रोजगार करता है, हमने देखा बुधवार के दिन मुंबई महानगर पालिका के मनपा सभागृह में जब फेरी वालों का मामला उठा तो पर प्रांतियों का मामला उछाल दिया गया। आखिर क्यों इतनी सियासत, निदान एक वन स्ट्रोक इसका निदान क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए, पर प्रांतीय का मुद्दा ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ने नहीं उठाया जी, ये मनसे ने उठाया जी। मनसे एक, मैं आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल हाशिए पर चली गई ऐसी पार्टी है, विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव में दिखने में आ गया जी। तो अपने आप को रिवाइव करने के लिए उनके पास एक ही मुद्दा है, यहाँ के महाराष्ट्रीय सेंटिमेंट को जगाना, उनको बताना कि हमें आपके शहर खा है, इसके लिए इस मुद्दे को उठाते हैं, इस मुद्दे को ये उठाते हैं। उसके सामने कांग्रेस के लोग उत्तर भारतीयों का नाम जोर से चलाते हैं, तो दोनों की राजनीति की रोटी खींचती है, फेरी वाले जहाँ है वहीं के वहीं है जी। कोई सवाल करना चाहते हैं आपसे वर्मा साहब, आपसे इमाम हैदर भी एक सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद सलमा शेख जो आजाद हॉकर्स की हमारे सामने यहाँ स्टूडियो में मौजूद है वो भी आपसे सवाल करना चाहती है। पहले इमाम हैदर सर, आप 25 बरस से आप और शिवसेना दोनों काबिज है, हमने चार बार 2003 में पॉलिसी बना के लाया केंद्र सरकार से, उसको आपने लागू नहीं होने दिया। 2009 में पॉलिसी बना के लाया, उसको लागू होने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाया, उसको लागू होने नहीं दिया। एक्ट पार्लियामेंट ने पास कर दिया, उसको आप लोगों ने लागू होने नहीं दिया। सरकार ने जीआर निकाला उस एक्ट के संबंध में, उसका नोटिफाइड कर दिया, उसको महानगर पालिका लागू नहीं कर रही है। आप लोग आज की तारीख में आपके अधिकारी क्लियर बोलते हैं खड़े रह करके कि एक फेरी वाले को 150 से 200 रुपया पर देना पड़ेगा। बम्बई में 3 लाख फेरी वाला है, यानी कि पर डे की कमाई 6 करोड़ रुपया है, महीने की कमाई 180 करोड़ रुपया है और बरस की कमाई 2000 करोड़ रुपया है। आपका कमिश्नर बोलता है कि मैं ये ना सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ, ना हाई कोर्ट को मानता हूँ, ना सरकार के जीआर को मानता हूँ। इसका मतलब यह है कि ये करप्शन के अंदर क्या आप लोग, आपकी सरकार, आपके नेता और आपके कमिश्नर नहीं है? और ये जो आप बोल रहे हैं मार्केट, मैं आपको बताता हूं कि एक एक मार्केट, एक एक बिल्डर को चार चार पांच पांच दे दिया गया। मैं स्थायी समिति के अंदर था, वो बिल्डर खड़े रह करके बोल रहा था कि मैं पांच पांच मार्केट नहीं डेवलप कर सकता। उसको बाहर आकर के एक ऑफिसर धम दे रहा था कि अगर तूने ऑब्जेक्शन रेस किया तो तेरे के खिलाफ अभी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये सब आपका जो धंधा है, आप लोग जो पब्लिक जो लूट मार चल रही है, लोगों का जो, लोगों की जो रोजी रोटी से, लोगों की जो प्रॉपर्टी की लूट कर रहे हैं आप लोग, क्या ये गलत, क्या ये सही कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आपके भाषण में कोई तथ्य नहीं है।
आप जो बात कह रहे हैं आप अरे तथ्य नहीं तो आप तथ्य नहीं है तो खाली आपके कमिश्नर को इतना बोलिए ना कि सरकार का जीआर क्यों नहीं मान रहे करके। ये कैसा विकास कर रहे हैं? मैं बीच में नहीं बोल रहा था जब आप बोल रहे थे। देखिए कैसा है, आप मुझे स्पेसिफिकेशन बताइए, ये मार्केट को एक डेवलपर को दिया और मार्केट बंद हो गई, आप मुझे स्पेसिफाई करके बताइए। देखो आरोप लगाना आसान है, चिल्ला चिल्ला के आरोप लगाना और भी ज्यादा आसान है। अपन तथ्य की बात करते हैं, अपने को फेरी वालों का फायदा करना है कि आपका और मेरा बहस में कितनी अच्छी कर सकता हूँ, मैं कितनी अच्छी वकालत फेरी वालों का फायदा करना है वर्मा जी। आप फेरी वालों का बताइए ना जी। हाँ सर बताता हूँ, सर बताता हूँ, ये मेरा कंप्लेंट बात कर रहे हैं। सुनिए सर, ये मेरा मेरी बात सुनिए ना, अभी मेरी बात सुनिए ना, मैं अभी मुझे बोलने दीजिए, मैं कहीं अगर गलत बोलूंगा तो मुझे सुधार दो आप, और मैं आखिर हमको जनता की सेवा करनी है, आपको मेरे को लड़के तो कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसा है कि फेरी वालों के हित में ही ये सारी मार्केटों का रीडेवलपमेंट हो रहा था, चाह रहे थे कि नया अच्छा और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मार्केट है वो मार्केट हम लोग बनाए। ये सब मार्केट पुराने हो चुकी, जर्जर हो चुकी, लेकिन आपके जो पुराने मुख्यमंत्री थे, आपको शायद ध्यान में होना चाहिए कि जो पहले जो मुख्यमंत्री थे उनके अधीन में ही यहाँ के आयुक्त आते हैं, आपके नगर सेवक हो या बीएमसी के कितने भी हो, आखिर हम लोग के पास इतने पावर नहीं है कि हम सारे के सारे पॉलिसीज को लागू कर सकते हैं। तो चाहे इससे पहले के पृथ्वीराज चौहान जी हो, चाहे उसके पहले के अशोक चौहान जी हो, उन्होंने जिस तरह का ढिलाई बरता, जिस तरह से आयुक्त को वो डायरेक्शन देते थे वैसा ही आयुक्त चलता था, उन्होंने कभी भी इस टाइप की नीति को लागू होने नहीं दिया। सलमा शेख मैडम आपका सवाल। सर आदरणीय वर्मा जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री के कहने पर कमिश्नर काम करते हैं, अभी आपने कहा जैसे पृथ्वीराज चौहान जी पूर्वी कमिश्नर जो थे हमारे उनको आदेश देते थे वो काम करते थे, तो इसका मतलब ये साफ है कि जो अभी कमिश्नर काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के आदेश के अंतर्गत कर रहे हैं? हाँ करेंगे ना, सरकार हमारी है तो हमारे कहने से ही करेंगे। तो सर इसका मतलब फिर सरकार ही चाह रही है कि ये पॉलिसी नहीं लागू होनी चाहिए, ये महाराष्ट्र शासन जो जीआर निकाली है उस जीआर पे अमल नहीं होना चाहिए, जो नेशनल पॉलिसी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है जब तक आप फेरी वालों का सर्वे नहीं करते, जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं उनको परिचय पत्र नहीं देते, उनको हॉकिंग जोन नॉन हॉकिंग जोन बना करके उसमें शिफ्ट नहीं करते, तब तक उनको धंधा करने दिया जाए, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसके बाद 7-14 जो एक्ट है। सर मेरी वर्मा जी, आदरणीय वर्मा जी से 2 मिनट में, देखिए हमारा आपका कोई बैर नहीं है लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। आज हजारों फेरी वाले दिन में 4-4 बार कार्रवाई हो रही है सर कॉर्पोरेशन की, लोगों का 10-10 हजार का 5-5 हजार का सामान लेके जाया जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है, और अगर महानगर पालिका को वाकई में कार्रवाई करनी है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो पूरी तरह से धांधली मचा के रखे हैं। मुंबई के अंदर 30 हजार कम से कम हाथ गाड़ियां चलती है जिसके ऊपर पट्टा लगा हुआ है, जिसके ऊपर मार्का लगा हुआ है, किसी कादर खान की है, किसी फला आदमी की है, जिसके ऊपर कभी RM लिखा होता है, कभी लाल पट्टा, कभी ब्लू पट्टा, कभी हरा पट्टा, जिनका डायरेक्ट संबंध महानगर पालिका के अधिकारियों से है, महानगर पालिका से है, उनका काम है 40 रुपया पर बढ़ोतरी से लेना, 20 रुपया महानगर पालिका को देना और 20 रुपया अपने खिस्से में रखना। कंप्लेंट होता है उनके खिलाफ, महानगर पालिका के लोग माल उठा के लेके जाते हैं जो डिसिप्लिन में बैठा है फेरी वाला उसका, और इनके वजह से जो तकलीफ होती है वो सारे फेरी वालों को। सरकार करती है सबके साथ सबका विकास। एक बात बोलना चाहता हूं वर्मा जी, वर्मा जी एक 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 सेकंड आपको रोकना चाहता हूं। सर मेरा ये कहना है, वरिष्ठ सहयोगी वर्मा जी, वर्मा जी कहना चाहते हैं, मेरी सिर्फ इतनी विनती है आपसे कि हम मोदी जी के जीतने पर तनिक भी अफसोस नहीं किए बल्कि उनको समर्थन दिए कि अच्छे दिन आएंगे और हम चाहते हैं कि अच्छे दिन आए, लेकिन सर आज हमको जगह जगह आप ही की पार्टी के लोगों का सामना करना पड़ रहा है। मलाड में दक्षा पटेल जी हैं वो फेरी वालों के विरोध में हैं, सी वार्ड में चले जाइए वहां पर फेरी वालों के विरोध में हैं, जगह जगह हमको जो भाजपा के नगर सेवक है। अब देखिए अभी कैसा है कि दक्षा पटेल कोई नगर सेविका नहीं है अभी, नहीं जब थी मुझे मालूम नहीं कितने सालों पहले की बात कर रही है। लेकिन सर आज 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 जो परिस्थिति है आपके के वेस्ट वार्ड में विले पार्ला में। हाँ सलमा जी बोलने दीजिए। जी 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 आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये फेरी वालों के विरोध में नहीं है। पुरानी NDA की सरकार में जो असंगठित कामगारों के लिए जितना बड़ा काम किया है उतना 60 साल में किसी भी पार्टी ने उनके लिए नहीं किया है, असंगठित कामगारों का। और जो फेरी वालों की नीति बनाई है वो भी पहले वाजपेयी जी की सरकार ने बनाई है। देखिए आप दो चीजों को मिक्स मत कीजिए, मुंबई ये सड़क पे चलने वाले लोगों के लिए भी है, मुंबई ये रोड पे गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए भी है, फुटपाथ ये सड़क पे चलने वाले लोगों के लिए बना है, ये सब चीजें फेरी वालों के लिए नहीं बनाया है। हमारा पूरा समर्थन है सर आपकी बातों को, ये बातों को। मैडम मेरी बात सुनिए, सबका साथ सबका विकास। अब अभी देखिए आप मुझे तो फिर ऐसा है कि आपके घर के मैं चारों बाजू अगर फेरी वालों को बैठा दूं तो उसमें सबका विकास हो जाएगा?
सर ऐसा है ही नहीं, सर ऐसा है ही नहीं, हम ये चाहते ही नहीं कि मुंबई को फेरी वालों से भर दीजिए। इसीलिए संजय कुल मिला के ये एक प्रकार से वर्मा साहब, समय की काफी कमी है हमारे पास, वरना हम इस चर्चा को और भी आगे जारी रखते, लेकिन जिस तरीके से बहुत संक्षेप में हैदर इमाम, बहुत संक्षेप में वर्मा साहब एक मिनट, टीवीसी ने 7 जुलाई 2014 को मीटिंग किया कि एक पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं, उस पॉलिसी के अंतर्गत पूरे मुंबई शहर के अंदर सर्वे होगा, संरक्षण होगा, तो हमने बोला कौन करेगा, क्योंकि टीवीसी को तो आपने दिया नहीं, ये करेगा कौन? हैदर इमाम साहब आपको रोकना चाहेंगे, संजय निरुपम कांग्रेस के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे उनकी पहली प्रतिक्रिया लेते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा माजरा आखिर क्या है। संजय जी स्वागत है आपका, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बताएं जी। आपके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा है कि आप जब बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता से मुलाकात करने गए, उसके बाद जब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तो आपने उन्हें यह कह दिया कि जब कार्रवाई करने के लिए फेरी वालों पर बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी आएंगे तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, और ये जवाब था मारपिटाई का, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए पहला मुद्दा ये है कि फरवरी 2014 से पहले हमारे देश में फेरी वालों के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत कानून नहीं था। पार्लियामेंट ने कानून पास किया जिसमें वैध और अवैध, लीगल और इलीगल फेरी वालों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, और कहा कि पूरे शहर की जितनी भी आबादी होगी उसके 2% लोक संख्या को आप फेरी वाला का लाइसेंस दे सकते हैं, फेरी का धंधा करने की जवाब की का क्या अनुमति दे सकते हैं। अब फरवरी 2014 से लेकर आज जुलाई 2015 हो गया, अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया गया है जिस तरीके से लागू करना चाहिए था। इसके तहत एक टाउन वेंडिंग कमेटी बननी चाहिए और टाउन वेंडिंग कमेटी पूरे शहर में फेरी वालों का सर्वे करेगी। उसके बाद उस कानून में लिखा हुआ है कि जब तक सर्वे पूरा नहीं होता तब तक किसी भी एग्जिस्टिंग फेरी वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और कानून की यह धारा पढ़ करके मैंने कमिश्नर साहब को सुना दिया। वो कहीं ना कहीं रियलाइज किए कि गलत ऑर्डर हो गया उनकी तरफ से, उन्होंने कहा लॉ कमीशन लॉ ऑफिसर से आप मिलिए और उसकी चर्चा करिए, मेरे लोग लॉ ऑफिसर से मिले, लॉ ऑफिसर खुद मानते हैं कि हाँ इस ऑर्डर में अमेंडमेंट होना चाहिए। उसके बाद जब फाइनली मैं कह रहा हूँ कि आप इस ऑर्डर में अमेंडमेंट करिए क्योंकि इससे हैवोक क्रिएट हो रहा है पूरे शहर में, तो वो ऑर्डर में कोई अमेंडमेंट करने को तैयार नहीं, बोले कि आपको ज्यादा है तो आप कोर्ट में जाइए। इस तरह का लहजा, इल्लीगल लहजा क्या एक कमिश्नर को इस्तेमाल करना चाहिए? आप कानून के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं और उसके बाद गरीब लोग जो 100 रुपए 200 रुपए कमाते हैं शहर में, वो भी बारिश में धूप में तकलीफ उठा करके उनको सता रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस तरीके से जो आप एकदम से गैर कानूनी काम कर रहे हैं उसमें फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जब अधिकारी जा रहे हैं तो उनके खिलाफ रिटेलिएशन हो रहा है। ये रिटेलिएशन यूं ही बढ़ सकता है क्योंकि आप कानून के साथ खड़े नहीं है, जबकि आप कानून के साथ खड़े होना चाहिए। आपने सर्वे रोक दिया है, हॉकिंग जोन नो हॉकिंग जोन का डिमार्केशन नहीं हो रहा है, और अगर डिमार्केशन करना है तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों की राय भी लेनी पड़ेगी, ये उस कानून में व्यवस्था है। पाली हिल में कहां पर हॉकिंग जोन और नो हॉकिंग जोन बनेगा ये पाली हिल के लोग से मिल करके महानगर पालिका तय करेगी, लेकिन पाली हिल के लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फेरी वालों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फेरी वालों की कुछ सुन नहीं रहा है, चंद अधिकारी मिलकर के कर रहे हैं जो कि गलत है, क्योंकि कानून में कहा गया है कि आने वाले दिनों में फेरी वालों को लाइसेंस देने से लेके हर तरह का जोन क्रिएट करने की जवाबदारी टाउन वेंडिंग कमेटी की है। टाउन वेंडिंग कमेटी पिछले 7 महीने से बैठी ही नहीं है, उसके बाद वार्ड लेवल पे टाउन वेंडिंग कमेटी बननी चाहिए, ये बनी ही नहीं आज तक कमेटी, तो कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो बात संजय जी, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये आदेश जो आया था सर्वोच्च न्यायपालिका का, शायद यदि मैं गलत नहीं हूं तो उस दौरान आपकी सरकार थी, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, उस दौरान फेरी वालों के मामले को क्यों समय रहते ही नहीं सुलझाया गया? आपको जानकारी, आपकी जानकारी के लिए उच्च न्यायपालिका का आदेश था नेशनल पॉलिसी ऑन हॉकिंग बननी चाहिए, उसी आदेश के तहत हमारी सरकार ने पार्लियामेंट से ये कानून पास किया है ताकि हमेशा का झगड़ा टंटा खत्म हो जाए, हर गरीब को 2 रोटी कमाने का एक अधिकृत तौर पर इज्जतदार तरीके से मौका मिल सके। हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया ऐसा ना कहें, हमारी सरकार ने तो पहली बार देश के फेरी वालों के लिए कानून बना के, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जो कानून इस देश के संसद ने बनाया है उस कानून को आप लागू कर दो। तो आजाद हॉकर्स यूनियन के तमाम लोगों ने जब मुंबई के आजाद मैदान पर
मोर्चा खोला था अपना, खास करके फेरी वालों के मसले को लेकर। उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब थे महाराष्ट्र में, जहां तक यदि मेरा जो जो मेरा एक्सपीरियंस जो कह रहा है, यदि मैं गलत ना हूं तो, उस दौरान भी समय रहते यदि पृथ्वीराज चौहान साहब चाहते या उनकी सरकार आघाड़ी सरकार चाहती तो आजाद हॉकर्स यूनियन के परचम तले जो भी मोर्चा निकाला गया था उसके दौरान ये सुलझा लिया गया होता विवाद। फरवरी 2014 के बाद आजाद हॉकर्स यूनियन के परचम तले कोई मोर्चा नहीं निकला। उसके पहले सारे मोर्चे निकलते लेकिन तब तक कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। आगे सुन लीजिए आखिरी बात यह है कि शायद महानगर पालिका यह चाहती है कि इलीगल हॉकिंग का धंधा शहर में चलता रहे, क्योंकि उसमें रोज लगभग 300 करोड़ रुपए की वसूली है और इस वसूली के हिस्सेदार कमिश्नर साहब स्वयं भी हो सकते हैं। शिवसेना बीजेपी के लोग तो हैं ही, महानगर पालिका के बाकी कर्मचारी अधिकारी तो हैं ही, तो इलीगल धंधा चलता रहे, इनके पेट में इनके जेब में रिश्वत का पैसा आता रहे, इसलिए इस पूरे बिजनेस को लीगल नहीं होने देना चाहते। मेरा गुस्सा ये है, मेरी नाराजगी ये है और मेरी चिंता ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इसको कानून के हिसाब से करो, आपको कुछ नहीं करना है। और खास करके शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मनपा सभागृह में जो बवाल मचाया संजय जी, उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को तो मानो बैठे बैठे परप्रांति का मुद्दा मिल गया हो। अब इस मामले को परप्रांति के मामले से जोड़ना कितना स्वाभाविक है? गलत है, इसलिए कि गरीब की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, भूख की कोई जाति और धर्म नहीं होता। एक दूसरी बात, पूरे मुंबई में फेरी का धंधा सिर्फ नॉर्थ इंडियन करते हैं, ये सोच ही बहुत बड़ी मतलब समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गलत है। इसलिए आप पूरा दादर जाके देखें, नायगांव देखें, परेल देखें, वहां पर आपको नॉर्थ इंडियन नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको महाराष्ट्रियन लोग मिलेंगे। आप मलाड वेस्ट का एरिया देखेंगे, वहां गुजराती फेरी वाले आपको मिलेंगे। तो कृपया करके किसी नॉर्थ इंडियन को सताने के लिए आप फेरी वाला कानून लागू ना करें, जिसमें आप अपने लोग जिनकी जिन भाषा भाषियों की राजनीति आप करना चाहते हैं उनको ज्यादा सता रहे हैं। फेरी वाले दादर के मराठी फेरी वाले मुझे मिल के गए, बेचारे मराठी लोग हैं, वो इतना दुख में इतनी तकलीफ, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग 40-40 साल से धंधा कर रहे हैं, हमको बेरोजगार कर दिया गया और इल्लीगल ढंग से धंधा चलाने का मौका दे दिया गया है सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे। मेरा एक आखिरी सवाल संजय जी, एक आखिरी सवाल जाते जाते इसका उत्तर दे दीजिए कि कांग्रेस पार्टी अब फेरी वालों को लेकर अपना आखिरी स्टैंड क्या रखेगी? पार्टी फेरी वालों के साथ खड़ी रहेगी और वैसे भी हम हमेशा खड़े रहे, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे, हम कोई आसमान से चांद सितारे तोड़ के ला दो ये प्रशासन से नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि फेरी वालों के लिए जो कानून आदरणीय सोनिया गांधी जी के पहल पे बनाया गया है उस कानून को शब्दशः लागू करिए, उस कानून से बाहर अगर कोई है तो उसको आप इंटरटेन मत करिए, बस उस कानून को लागू कराने के लिए फेरी वालों के साथ हम रस्ते पे भी रहेंगे, कॉरपोरेशन में भी रहेंगे, समय आया तो मोर्चा प्रदर्शन भी करेंगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप फेरी वालों के समर्थन में रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए संजय निरुपम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर संजय निरुपम थे जिनके ऊपर यह आरोप लगा था और खास करके शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नगर सेवकों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग की थी। लेकिन एक बार फिर हमसे फोन लाइन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमसे जुड़ रहे हैं योगेश वर्मा साहब। योगेश जी आवाज आ रही है एक बार फिर? जी जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो 21 नवंबर 2013 को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, GR निकाला कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सितंबर 2013 के आदेश के अनुसार पूरे महाराष्ट्र में और जो नगर पालिका महानगर पालिका नगर पंचायत में जितने भी फेरी वाले उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। हम ये बोल रहे हैं कि सरकार का GR नोटिफिकेशन कमिश्नर को बोल रहे हैं मानो वो, हम ये बोल रहे हैं कि सरकार ने जब एक्ट बना तो सरकार ने हाईकोर्ट में आकर के बोला कि एक मई 2014 को हमने एक्ट को नोटिफाई कर दिया महाराष्ट्र के अंदर। हम बोल रहे हैं जो एक्ट नोटिफाई हो गया तो उस एक्ट को मानो। कमिश्नर बोलता है कि मैं किसी को नहीं मानूंगा, मेरे लॉ ऑफिसर को और सरकार ने जो मेरे को आदेश दिया मैं उसको मानूंगा। इसका मतलब यह है कि सरकार ने कहीं ना कहीं उसको आदेश दिया है कि गरीबों को सताओ, फेरी वालों को उजाड़ो, फेरी वालों के पीछे पड़े रहो।
बराबर है, तब ये सब कार्रवाई सर वो बोल रहे हैं कि सरकार सक्षम है ये सब के ऊपर करने के लिए, अगर आप लोगों ने मेरे आदेश को नहीं माना तो सरकार सक्षम है आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं राज्य सरकार ये सारा चीज कराना चाहती है गरीबों के खिलाफ। इमाम साहब, क्या ये सही है आपका या आप? अभी नहीं नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो कमिश्नर ने ये बोला। हाँ, मैं अभी उस दिन खुद डेलीगेशन में गया था, हम थे साथ में उनके, संजय निरुपम जी के साथ, जिसमें उन्होंने कमिश्नर ने बोला। इसका मतलब सरकार करा रही है क्या ये? अभी देखिए कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि दो चीजें हैं, हमको फेरी वालों के लिए लड़ना है या हमको हमारे राजनीति के लिए लड़ना है। नहीं, हम राजनीति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है आप सच बात पूरी सच बात नहीं बता रहे हैं। नहीं नहीं, आप पूरी सच बात नहीं बता रहे हैं। देखो, मैं भी मेरा जन्म राजनीति के अंदर ही हुआ है और जब से होश संभाला है तब से राजनीति देख रहा हूँ। जब तक कांग्रेस ये गरीबों के नाम पे राजनीति करना बंद नहीं करेगी तब तक इस देश में गरीबों का कोई भला नहीं होगा। आपकी 60 साल तक यहाँ पर शासन था, आपने कुछ भी नहीं किया। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, देवेंद्र फडणवीस साहब जब ये अपोजिशन में थे तो मैं आपको 500 लेटर बता सकता हूँ जो हमने उनको दिया। नहीं, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता, मैं इस तरह से होगा, हम इनका भला कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का नहीं हूँ। ये संजय निरुपम जी के साथ गए थे, कांग्रेस में नहीं थे तो साथ में क्यों गए थे? हम इसलिए गए थे कि वो डेलीगेशन था और डेलीगेशन इसके पहले भी जो हम उनके इसमें नहीं, हमने डेलीगेशन दिया था सरकार को या लीडर ऑफ अपोजिशन को बीएमसी में थे। अभी आप या तो आपकी बात करने दीजिए या तो आप मुझे बोलने दीजिए। जी बताए, आप बोलिए बोलिए सर बोलिए। कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा असंगठित कामगार और फेरी वालों के साथ रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सबसे पहला कानून वाजपेयी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी और इस महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है शिवसेना की, देवेंद्र जी और सभी लोग इसके ऊपर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ के नागरिकों को भी सुविधा मिले और यहाँ के फेरी वालों भी उनका भी जीवन अच्छा बने। वो सब जोनों का डिमार्केशन हो रहा है, ये जो काम रुका मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि नटराज मार्केट है, क्या हुआ आपको पता है? पिछली बार जब बायोमेट्रिक शुरू होने वाला था और ये निकलने लगा, इतना बड़ा गोंधल हुआ इसके अंदर, कुछ नकली फेरी वाले नटराज मार्केट के मेन रोड पर बैठ करके अपना फोटो निकालने लग गए। ये इतना अंदर का घोटाला आपस में मिलकर के इन्होंने करना शुरू कर दिया, पूरे नागरिकों ने इसका विरोध करना शुरू किया और ये योजना रुक गई। आप जब तक अपने लोग एक फेरी वाला जो ओरिजिनल फेरी वाला है जो 20 साल से 30 साल से वहां बैठा है वो बेचारा बाजू हो गया, कुछ गुंडे वहां पर आ गए, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आपको बताने लगे, वो फेरी लेकर के नीचे बैठ करके उसका फोटो खिंचवाने लगे, उसका फॉर्म का सिग्नेचर करवाने लगे, उसके विरोध में ये चीज बंद हुई। आप सच बात क्यों नहीं बोलते हैं सर? मैं आप अगर यूनियन के नेता है, आप इनका फायदा करना चाहते हैं, सच बात एक बात सर, मैं एक झूठ बात क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं, एक झूठ नहीं, सुनिए, एक बात, एक बात खाली मेरी, एक बात खाली मेरी, एक बात सुनिए फायदा करने के लिए इधर सर 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 नहीं, मैं राजनीति करने के लिए नहीं, एक बात सुनिए ना, मैं एक टीवीसी का मेंबर हूँ। जब टीवीसी ने 7 जुलाई 2014 को जब कुंटे साहब थे उन्होंने बोला हम सर्वे कराना चाहते हैं, तो हमने कुंटे साहब को बोला कि आप जो सर्वे कराना चाहते हैं सर्वे किससे कराएंगे? उन्होंने बोला महानगर पालिका के अधिकारियों से। फिर बोला एक्ट और जो एक्ट है वो और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो ये बोलता है कि एनजीओ लोकल रेसिडेंस फेरी वाले और सरकारी अधिकारी सब मिल करके सर्वे करेंगे। तो मेरा हम लोगों का आपसे निवेदन है कि आपने दो बार फेरी वालों की लिस्ट आपके पास है, नंबर एक जो टाटा युवा का सर्वे हुआ उसमें 1,02,000 लोगों के नाम है, नंबर दो जब बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आया 1999 में उसके बाद आप लोगों ने जितने फेरी वाले थे उनको बोला कि आप जिसको लाइसेंस चाहिए वो फॉर्म भरो, तो बम्बई शहर के अंदर 1,03,000 फेरी वालों ने भी फॉर्म भरा। तो आपके पास दो दो अभी मैं थोड़ा इसको थोड़ा आपको रोकने के रोक रहा हूँ, मैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये देवेंद्र जी की मुख्यमंत्री है, एक हम लोग एक डेलीगेशन लेकर के और देवेंद्र जी के पास चल करके जो सच्चाई है जो फैक्ट है, देखिए आप और मैं हम लोग समाज के पुढ़ारी है, हम सच बात को सामने नहीं रखेंगे तो उसका नुकसान हमारे लोगों को होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डेलीगेशन लेकर के मुख्यमंत्री को मिलकर के सारी बातों पर अवगत कराना चाहिए। एक बात मैं खाली एक बात खाली रख दूं फिर उसके बाद आप बोलिए सर, हम चलने को तैयार है, हम चलने को तैयार है, खाली एक बात मेरा ये है कि ये जो 7 जुलाई 2014 का जो टीवीसी का जो ऑर्डर पास हुआ
और जो जिसके ऊपर पे पूरे सर्वे हुआ, इसको 8 जुलाई 2014 को हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया कि टीवीसी का जो ऑर्डर दिया है कमिश्नर ने उसको मैं स्टे देता हूं। उसके बाद भी कॉरपोरेशन ने सर्वे इलीगल सर्वे कराया, कॉरपोरेशन ने फ्रॉड लोगों का सर्वे कराया, हम जितने भी यूनियन है जो सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोगों ने जो हमारे मेंबर जो छूट गए, ऐसे 52 से 70 हजार मेंबरों की लिस्ट कॉर्पोरेशन को दी, आज तक कॉर्पोरेशन उसको सर्वे करने को तैयार नहीं। नंबर एक। नंबर दो, कॉर्पोरेशन ने और अधिकारियों ने मिल करके अपने ऑफिस में बैठ करके हॉकिंग नॉन हॉकिंग जोन बनाया, और हमने जब उसका चार्ट मांगा टीवीसी मेंबर के नाते नहीं दिया, आरटीआई मांगा, पवार साहब के पास आरटीआई की अपील हियरिंग कंडक्ट किया, अभी वो बोलते हैं कि एसएल डिपार्टमेंट देगा, एसएल बोलता है कि पवार साहब देंगे, डिप्टी कमिश्नर है, दोनों के पास लिस्ट नहीं है, वो बोलते हैं कि हमने रोड डिपार्टमेंट को भेज दिया, रोड डिपार्टमेंट बोलता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो मैडम के पास गई है एडिशनल कमिश्नर के पास। तो ये सारा आप लोगों ने बनाया, जो आप फेरी वाला धंधा नहीं करता, बांद्रा में जूहू में अमिताभ के बंगले के पास धंधा नहीं करता उसको फेरी वाला जोन बना दिया, वो हॉस्पिटल के पास फेरी वाला धंधा नहीं करता उसको हॉकिंग जोन बना दिया, वो ऋषि कपूर के बंगले के पीछे पास हॉकिंग जोन बनाया, शाहरुख खान के बंगले के पीछे जो वो खड्डा जो आप लोगों ने तोड़ा अभी वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको हॉकिंग जोन बना दिया, पेडर रोड के ऊपर जब फेरी वाला धंधा नहीं करता वो कोने को हॉकिंग जोन बना दिया, और हम उनको पूछ रहे हैं कि आपने ये किससे पूछ करके बनाया, जहाँ फेरी वाला बैठता ही नहीं तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपने किया कैसे अपनी मर्जी से, जहाँ फेरी वाला बैठ रहा है, जहाँ फेरी वाले ने फॉर्म भरा है, जहाँ का आदेश सुप्रीम कोर्ट और एक्ट बोलता है, जो एग्जिस्टिंग फेरी वाला जहाँ जिसका सर्वे हुआ है वो वहीं पर आप दो, तो वहां पर नहीं दे करके आप इतनी इतनी दूर जगह कैसे बना रहे। योगेश वर्मा साहब, मेन मुद्दा ये है कि आज के तारीख में जो करप्शन है 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया जबरन लिया जा रहा है, इसके लिए बजाबते मैं आपको बताऊं, ये जो सवाल कर रहे हैं या आप अपनी पूरी की पूरी कहानी बता रहे हैं, कहानी बता करके इनसे सवाल कर रहा हूं कि ये जो पार्टी है ये बोलती है हम टेरर, ये जो फंडिंग है, ये जो करप्शन है, ये करप्शन से टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, ये सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर को मालूम है, यही सारी बात हम लोग ने लिखित में दी है, ये जो वसूली करने वाले लोग है ये माफिया लोग है, क्रिमिनल लोग है, और बड़े बड़े सिंडिकेट से मिले हुए लोग है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। जवाब देंगे आपके सवालों का। जी देखिए, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी किया, इसका विरोध बीजेपी के लोगों ने भी किया, ये आप क्या मनमानी कर रहे हो। देखो, एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, एक बड़े नेता ने कहा था कि ये देश जो है ये टाइपराइटर्स चलाते हैं, ये कौन सी सरकार की नीति का अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे ये पता नहीं। इसके लिए ही उसी को चेक एंड मेट करने के लिए हमारे आपके जैसे लोग बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय करता है, नीचे का अधिकारी उसको इंटरप्रेट करता है अपने तरीके से, अपने फायदे के लिए। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 50-60 सालों में यहाँ पर बहुत सारे माफियाओं का जन्म हो गया है, और वो माफिया उसमें फेरी वाला माफिया भी है, उसमें दुनिया भर का पानी माफिया है, सब कुछ है, और इस नेक्सस को आपको और हमको मिलकर तोड़ना है। सलमा शेख मैडम, तो इस टाइप के जो अधिकारी है, मलाड में हमने भी विरोध किया उस बात का, मलाड में हमने बहुत खुल के विरोध किया कि जहां पर जो लोग पुराने बैठे हैं उनका तो आप सर्वे नहीं कर रहे हो, आप ये नए लोग का सर्वे करके और ये जो पुराने लोग हैं उनको नुकसान करने का काम कर रहे हो, नए लोगों से पैसा लेकर के, और आप इस तरह का काम कर रहे हो, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का विरोध किया। और अभी तक आजाद हॉकर्स की तरफ से, जी आजाद हॉकर्स की तरफ से योगेश वर्मा साहब आपसे बात करना चाहती है सलमा शेख मैडम। योगेश वर्मा जी, आपने पहले कहा कि कुछ लोगों का सर्वे बोगस हुआ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, वाकई में इसमें 35 से 40% जो सर्वे हुआ है वो बोगस हुआ है, गलत लोगों का हुआ है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सत्ताधीश पार्टी में हो, जो सत्ता में पार्टी है, कॉर्पोरेशन में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप कृपया ये सर्वे को वापस से करवाए, और इसमें देखा जाए कि जो एग्जिस्टिंग हॉकर्स है, एग्जिस्टिंग होने का लोगों के पास सालों से पुरावा है, आज एग्जिस्टिंग को छोड़ करके चंद पैसों के लिए बीएमसी अधिकारियों ने गलत लोगों का सर्वे किया। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि हम और मिलकर के समाज के पुढ़ारी हैं, लोगों का भला करना चाहिए, फेरी वालों का भला, हम इस बात से भी सहमत हैं, हम यूनियन इसीलिए चला रहे हैं ताकि फेरी वालों का भला हो सके, उनको लाइसेंस मिले, लेकिन मिलेगा कैसे आप बताइए। कॉरपोरेशन के लोग, हमारी एक सबसे मुख्य मांग ये है, इस लड़ाई का सबसे बड़ा उद्देश्य भी ये है, जो आज 2000 करोड़ रुपए की अवैध वसूली जो महानगर पालिका के
अधिकारियों के खीसे में जाती है, वो वसूली महानगर पालिका के राजस्व में जाना चाहिए, जिससे महानगर पालिका का रेवेन्यू बढ़े, शहर को, हमारे मुंबई शहर को उसमें एक्स्ट्रा इनकम मिले, हमारी रोडें, हमारे खड्डे बने, हम पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन जायज रूप से, नाजायज रूप से नहीं, इलीगल रूप से नहीं। लेकिन आपके लोग क्या करते हैं, महानगर पालिका के लोग क्या करते हैं, तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर से दबाव आया आपको 200 देना पड़ेगा, महीना महीना बढ़ता रहता है इनका, और जो देता है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, जो नहीं देता उनके ऊपर कार्रवाई। सर, टारगेट से कार्रवाई की जाती है, कुल मिला के समय के साथ वसूली बढ़ जाती है, समय के साथ वसूली बढ़ जाती है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ सर वर्मा जी, योगेश जी, एक बात योगेश साहब, एक बात मेरी और सुन लीजिए आप, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप आदरणीय कमिश्नर जी को ये कहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो एक्ट बन गया है, जो महाराष्ट्र शासन ने जीआर निकाला है, इन सारे चीजों को, इसके ऊपर इसकी अमल बजाव नहीं होना चाहिए ना, कि इसको चुनौती देना चाहिए। देश का सर्वोच्च न्यायालय सारे लोगों के लिए एक समान है, हम गरीबों के लिए ही नहीं है, सारे लोगों के लिए, लेकिन ये पूरी तरह से उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि सरकार समर्थ है आपसे लड़ने के लिए। अब हम इसको क्या कहें, बताइए आप। अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में हमने इसी के बारे में एक आंदोलन किया था आज से लगभग 2 साल पहले, और ये लड़ाई हमारी भी चालू है। जो लड़ाई जो आप बात कर रहे हैं, वो हम तो खुलेआम बोलते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी है, और ये भ्रष्ट अधिकारी ये मनपा के लूटने के में बैठे हैं। आप देखेंगे इंटरप्शन में सबसे ज्यादा अधिकारी पकड़े जाते हैं ये बीएमसी के, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप ये बात मानते हैं योगेश वर्मा साहब, ये बात आप मानते हैं कि बिल्कुल मानता हूँ कि जो नीचे के जो अधिकारी है वो सरकार की नीतियाँ, इवन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की नीतियों को लागू करने में नीचे के लोग को परेशान करने का काम करते हैं, और जिसको बड़े पैमाने पर एसीपी के लोग अभी सर हमारा एक दो ही विनती है सर, दो ही विनती है सर, हमारी एक बात सुन लीजिए, एक बात खाली, एक बात बोलिए बोलिए। तो कॉर्पोरेशन ने अब जब हमने इनको बोला कि अरे ये आप इतना बड़ा पूरा इतना जो वसूली हो रही है, और ये जो हमारा माल का सीजर हो रहा है सर, तो हम वसूली पैसा भी दें, माल का सीजर भी करावे, तो उन्होंने अभी जो जो आपके कमिश्नर ने अभी जीआर निकाला है, तो उसके हिसाब से जो रिडम्पशन जो माल सीज कर लेते हैं ना, तो 100 रुपए की भाजी का रिडम्पशन उन्होंने 600 रुपया कर दिया है, हाथ गाड़ी का रिडम्पशन उन्होंने 20,000 रुपया कर दिया है, एक पोटला कपड़ा पकड़ा गया तो उसका रिडम्पशन 10,000 रुपया कर दिया गया है। मैं आपको फोटोग्राफ बताता हूं कि वार्ड के अंदर ये देखिए, ये दलाल है, ये माफिया है, इसके ऊपर 16 केसेस है, 4 मर्डर के, 2 बड़े-बड़े ये इसके केस है। ऐसे लोग खड़े रह करके आपके गोडाउन के अंदर खड़े रह करके बजाते हर आदमी से पैसा वसूली करते हैं, और ये गोडाउन क्लर्क देखिए हाथ बैठ करके नाखून काट रहा है। इमाम साहब, ये कोई पहला मौका नहीं है, ये जाहिर है कि आप भ्रष्टाचार का दीमक अंदर तक जा चुका है, तो सरकार निकालना वक्त की जरूरत है। जो 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 100 रुपए का जिसका माल पकड़ा गया वो 600 रुपया क्यों देवे, जो वो क्यों ये करे। तो हमारा ये है कि वाकई आप अगर जनता के लिए सेवक है, जनता ने आपको सत्ता में लाया, जनता ने अपनी इसके लिए लाया कि भाई वाकई लोगों का भला होगा, अच्छे दिन आएंगे, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये जो मनमर्जी, ये जो करप्शन, जो आज जो ये कमिश्नर बैठ करके कर रहा है, आज जो कर जो करप्शन को फैलाने के लिए कमिश्नर एकदम अकड़ करके बैठे हैं, तो इसके लिए जो रिडम्पशन चार्जेस है, जो पहले था, जो माल पकड़ा गया उसका 100 रुपए का माल है 25 रुपए में छूट जाएगा, हाथ गाड़ी पकड़ी गई 500 रुपए में छूट जाएगी, 500 हाथ गाड़ी बनाने में 2,500-3,000 रुपया जाता है, तो 20,000 में कौन हाथ गाड़ी छुड़ाएगा। और दूसरा, बंबई शहर के अंदर आप बोल रहे हैं जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम ये जो हाथ गाड़ी चालक है बंबई शहर के अंदर, मैं बोलता हूँ 1 लाख इलीगल हाथ गाड़ी है, एक आपके आपके एसएल डिपार्टमेंट में जितने भी एएसएल है सबकी कम से कम 10-10, 20-20 हज़ार हाथ गाड़ियां हैं, हर आदमी अपना अपना मार्का दे करके दलालों के थ्रू हाथ गाड़ी चलाता है, वो मैडम को हमने कुल मिला के बाद बहुत ज्यादा है। सलमा शेख पूछिए। सर मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि अभी जो फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है सर, क्या आप सरकार में हैं, आप लोग मिलकर के कमिश्नर से बात कर सकते हैं, आपकी राज्य में सरकार है सर, सर एक टाइम 4-4 बार गाड़ियां आ रही है, माल उठा कर उनका माल नहीं छोड़ा जा रहा है सर, गरीब फेरी वाले जाएंगे कहां, और सबसे बड़ी बात सर किस आधार पे ये कार्रवाई हो रही है सलमा जी। सर उससे बड़ी बात जो हाथ गाड़ियां हैं सर, एक सेकंड सर, ये जो हाथ गाड़ियां हैं, जो अभी ये भी कह रहे थे, मैं भी कह रही हूँ, इन हाथ गाड़ियों को अगर हम कंप्लेन करते हैं तो ये हाथ गाड़ी तो उठाई नहीं जाती, बल्कि हमारे धंधे उठाए जाते हैं। दूसरी बात, ये हाथ गाड़ी उठाने का उद्देश्य क्या है, अगर हाथ गाड़ी आपको रोड पर नहीं चाहिए तो उसका डेमोलिशन होना चाहिए। दूसरी बात, आप दिन के उजाले में गाड़ियां उठाते हैं और रात के अंधेरे में 2-2,500 रुपए लेकर के छोड़ते हैं, गाड़ी को 100 रुपए में नहीं लेकर के छोड़ते हैं। 24 गोडाउन आपके हैं, आप 24 गोडाउनों में एक भी गोडाउनों में बता दीजिए कि हाथ गाड़ी का दंड 30,000 रुपया है,
किसी भी हाथ किसी भी गोडाउन में 30,000 रुपए की पावती है क्या? योगेश वर्मा साहब, योगेश वर्मा साहब, समय की काफी कमी है, आप थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। हेलो, देखिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेरी वालों के साथ है, बिल्कुल असंगठित कारीगरों के साथ है, और जो भी इसके अंदर कठिनाई आएगी, आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शेट्टी जी है, किरीट सोमैया जी है, इनमें से किसी को भी मिल करके, मुझसे मिल करके, और अपन इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे, शहर को सुंदर खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। जबरदस्त कार्रवाई होगी फेरी वालों के शिष्टमंडल को लेके। योगेश वर्मा साहब, क्या मुख्यमंत्री तक आप जाएंगे इस चीज का भरोसा दिलाइए। बिल्कुल, मैं इस चीज को लेकर के मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, मैं पर्सनल मिलूंगा, जो भी यूनियन मेरे साथ आना चाहती है वो मुझे संपर्क करे, मेरे साथ आए, मैं आप सब लोग का डेलीगेशन लेकर के हम जाकर के मुख्यमंत्री। चलिए, आपने जो भरोसा दिया है, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, और सब फेरी वाले जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हमारे तो जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो खुद चाय बेचने का काम शुरू में करते थे, उनके पिताजी ने बेचा है, इसलिए हम उनका दुख दर्द जितना ज्यादा जानते हैं, शायद कोई और दुख दर्द आप उनका जानते हैं उतना ही दुख दर्द फेरी वालों का भी जानेंगे। ये हम आपसे काफी उम्मीद लगाए हैं, और आपका जो भरोसा है, उस भरोसे की कसौटी पर आप खरा उतरेंगे, ये आपसे उम्मीद की जाती है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवनिंद्र आशुतोष हमारे अपने वरिष्ठ सहयोगी, काफी समय से इस पूरी चर्चा में जुड़े हैं, और उनकी पहली प्रतिक्रिया जान लेते हैं। अवनिंद्र, आपने सबको सुना। देखिए संजय, अगर हम बात करें मानवतावादी दृष्टिकोण की, तो उसकी कमी बहुत ज्यादा नजर आई है, क्योंकि अगर यहाँ पर अदालत का आदेश दिया जाता है कि ये फेरी वालों के समर्थन में पूरा जो सिलसिला है होना चाहिए, उसके बावजूद अगर बीएमसी के अधिकारी और बीएमसी के जो कमिश्नर साहब हैं उन पर आरोप लगता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और यही कारण है कि कांग्रेस को एक बहुत ही उम्दा मुद्दा मिल गया है। और संजय निरुपम ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो उनके फ्रस्ट्रेशन के स्वरूप में आया है, और कहा जा सकता है कि वाकई फेरी वालों को अगर उनकी समस्याओं के साथ जोड़कर देखा जाएगा, तो तब तक जिस तरह से अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक लाइसेंस नहीं मिल जाता, जब तक पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक इनको उजाड़ा ना जाए, इनको परेशान ना किया जाए। अवनिंद्र, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेश वर्मा साहब ये मानते हैं कि बीएमसी के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, ये मानते हैं वो? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे अहम बात है कि अगर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें संजय, तो सबसे बड़ा सच यही है कि भले ही वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर जब तक आप पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में नहीं रखेंगे, तब तक निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का जो सिलसिला है, भ्रष्टाचार की जो गाड़ी है, वो बढ़ती चली जाएगी, और वादे पर वादे किए जाएंगे। जिस तरह से 40 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके बावजूद आज भी सरकारें बदलती रही हैं, विचारधाराएं बदलती रही हैं, उसके बावजूद समस्याएं क्यों नहीं बदल रही, समस्याएं क्यों नहीं थम रही हैं, ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है, और इसको लेकर सबको एक होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल एक होना पड़ेगा। जी जी जी, जो उन्होंने क्या नाम है, मैं संजय निरुपम का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो उन्होंने बोला कि संजय निरुपम ने जो बोला ये किया वो नहीं करना चाहिए था, अगर आप वहाँ होते डेलीगेशन में, संजय निरुपम जी ने हमारा जो फेरी वालों का डेलीगेशन लेके गया तो उस कमिश्नर को कम से कम 40 मिनट तक समझाया, 40 मिनट तक, सर ऐसा है वैसा है ये वो इस बात पर नड़े रहे कि मेरे को मेरे लीगल ऑफिसर ने बोला है, मेरे को मेरी सरकार ने बोला है कार्रवाई करने के लिए, जब वो घड़ी घड़ी बोल रहे हैं मेरे लीगल ऑफिसर मेरी सरकार, तब जाकर उसको एक ईगो प्रॉब्लम है, वो उसने यहाँ तक कि ये न्यूसेंस है, मतलब मेरी सरकार है, तो वो ये मान करके तब जाकर के उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर आप लोग कार्रवाई करने आएंगे तो फेरी वाले भी और हम लोग भी आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मतलब इतना ज्यादा ईगो। कुल मिला के 40 मिनट तक कमिश्नर को समझाने के बाद भी कोई जब नतीजा नहीं निकला, तो उनके मुखारबिंद से ये बातें निकली, स्वाभाविक है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड में किसी भी मानव प्रवृत्ति है, यदि किसी व्यक्ति जब सब्र का बांध टूटता है तो वह उसकी मुखारबिंद से कोई भी शब्दों का निकलना स्वाभाविक है। सर, उसके पहले 20 दिन पहले हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी उनको समझाया गया था, जिसमें उनके सारे लीगल डिपार्टमेंट के लोग थे, डीएमसी साहब थे, कमिश्नर साहब खुद थे, और हम सारे फेरी वालों का डेलीगेशन था, संजय निरुपम जी थे, वहां पर भी सारी ये चर्चा हुई, काफी एक घंटे डेढ़ घंटे की चर्चा के बाद में ये हुआ कि आप हमारे लीगल डिपार्टमेंट से बैठ के बात करिए। चलिए, समय की काफी कमी है, सलमान शेख मैडम, ये सब कुछ होने के बावजूद फेरी वालों पर अत्याचार हो रहा है, इस पूरे मसले पर हमारी पैनी नजर होगी, और खास करके बोला है तो उसकी नोटिंग तो हमको दे दो, तब नोटिंग लेके हम हाईकोर्ट जाए, हम बोलते हैं वो नोटिंग देना हमारा काम नहीं है। देखिए, मसला काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है, इस मामले में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, हमारे पास
समय की काफी कमी है शर्मा शेख मैडम। योगेश जी ने क्या कहा है वो क्या करेंगे, अगर वो करते हैं तो हमारा पूरा समर्थन है, हम उनके साथ चलेंगे, उनकी बात करने में कोई हर्जा नहीं, तो आजाद हॉकर्स यूनियन एक बहुत बड़ा आंदोलन चलिए आजाद हॉकर्स के साथ साथ आईटेक भी यूनियन भी साथ में है और इसके साथ साथ मुंबई के सारे यूनियन बैठ करके इस पूरी खबर पर पैनी नजर होगी। इस चर्चा में जुड़ने के लिए अवनिंद्र आशुतोष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सलमा शेख मैडम, आजाद हॉकर्स की सर्वे सर्वा खास करके बात की जाए तो कई आंदोलन में आपने हिस्सा लिया, आपकी लड़ाई में आपको फतह मिले ये कामना करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हैदर इमाम साहब आईटेक जो हॉकर्स यूनियन है उसके राष्ट्रीय महासचिव, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे कहा जाता है कि जुबान में हड्डी नहीं होती, जुबान से जो कुछ भी निकलता है यथार्थ के पटल पर वैसा कुछ भी पाया नहीं जाता। फेरी वालों की एक लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई सालों साल से चलती आ रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट कर पाएगी। बहरहाल हमारे आज के इस खास प्रोग्राम फेरीवालों पर सियासत में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए लेमन न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।